आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच हमें अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 5x है, क्लियर। और प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 320 है, मतलब x गुणे 5x बराबर 320, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 320/5, एक्स बराबर क्या होगा 5×6=30, 5×4=20, अंडर रूट हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, एक्स का मान क्या आ गया 8 आ गया, तो एक्स का मान 8 हो जाएगा और 5x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 5×8=40, ठीक है। तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, तो 40 का वर्ग करो और 8 का वर्ग करो, क्या हो जाएगा 4×4=1600 -8×8=64, 10 में से 4 घटाओगे 6 और 9 में से 6 घटाओगे क्या आएगा 3 और यहाँ पर 5 बचेगा 1536, यही हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।